नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपका इनकम टैक्स कौन भरता है, तो आप कहेंगे ये कौन सा बेतुका सवाल है कि मेरी कमाई है तो हम ही भरेंगे। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होता। झारखंड में विधायकों का इनकम टैक्स आप भरते हैं, यानी सरकारी खजाने से भरना होता है। और 2015 से शुरू हुआ ये सिलसिला 2022 तक जारी है, और हर साल 2015 में 5 करोड़ रुपए जनता के जेब से निकालकर विधायकों के इनकम टैक्स भरे गए। अगर हर साल 5 करोड़ भी मान ले तो ये 2022 है, और अब तक झारखंड की जनता ने विधायकों का इनकम टैक्स कुल भरा है 35 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक बात है कि देश में झारखंड तीसरा ऐसा राज्य है जहां विधायकों की सैलरी सबसे ज्यादा है, 1,11,000 रुपए प्रति माह। इसके अलावा उनका ट्रेवल अलावेंस, फोन बिल, जो आप उनसे मिलने जाते हैं, आपके चाय पानी, यहां तक कि एक बिस्किट का भी जो खर्च होता है वो भी उनको मिलता है। देश में सबसे ज्यादा सैलरी जो विधायकों की है वो तेलंगाना में है, 2,24,000। उसके बाद 1,30,000 किसी स्टेट की है, और तीसरा झारखंड है, 1,11,000। अब बोलिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये इसलिए कि देश में सबसे खराब आर्थिक हालत वाले जो 5 राज्य हैं उसमें झारखंड का नाम आया है। और ये मेरी नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी रिसर्च हर साल राज्यों की आर्थिक सेहत पर एक सर्वे करती है, और उसकी माने तो पंजाब, केरल, बिहार, बंगाल और झारखंड ये देश पर बोझ बन गए हैं। और अगर देश के बाकी राज्यों से इनका संपर्क तोड़ दिया जाए तो इन राज्यों की हालत लगभग श्रीलंका की तरह पहुंच गई है। वही रिपोर्ट जो आरबीआई की डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी रिसर्च है, वो कहती है कि बजट घाटा झारखंड का हर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब कि अगर इस राज्य की कमाई 100 रुपये है तो वो 103 रुपये, 105 रुपये, अब 108 रुपये खर्च कर रही है, मतलब हर 100 रुपये पे। ये 2021 की रिपोर्ट है। इस साल तो और भी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, साड़ी धोती बांटा जा रहा है, हर बुजुर्ग को पेंशन दिया जा रहा है, हर विधवा महिला को पेंशन दिया जा रहा है, और भी 25 रुपये पेट्रोल दिया जा रहा है। ये सारी चीजें, घबराइए मत, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना खेत बेचकर नहीं चुकाने वाले, ये आप ही के जेब से कहीं ना कहीं से निकाला जा रहा है। और निकाला कैसे जा रहा है? होल्डिंग टैक्स दोगुना कर दिया गया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया गया, बाजार शुल्क बढ़ा दिया गया, और भी कई चीजें हैं जो कि इनडायरेक्ट हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, बिहार और झारखंड जिनका कुल जो बजट है उसका अगर हिस्सा केंद्र से लेने की बात की जाए तो बिहार अपने कुल बजट का 75% केंद्र से प्राप्त करता है। कितना अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उसको तो और स्पेशल स्टेटस भी चाहिए। और दूसरा सबसे ज्यादा केंद्र से अपने बजट का कुल हिस्सा प्राप्त करने वाला राज्य है झारखंड, 57%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई ने जो स्टडी किया है उसके अनुसार। एक और जो कहा जा रहा है कि झारखंड में 2018 में 84,000 करोड़ का कर्ज था झारखंड पे, और हर इंसान को हर दिन 20 रुपये कर्ज चुकाने पड़ते थे 2018। 2021 में हम झारखंड पर 1,86,000 करोड़ का कर्ज हो गया, 2021 की बात कर रहा हूं, और हर दिन आपको 32 रुपये कर्ज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। 2022 आई, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि ये शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट होता है, वो अब होने लगा है झारखंड का। कुछ और उदाहरण मैं बता रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट 3% झारखंड का। अच्छा, एक चीज और है कि झारखंड अपनी जो टोटल कमाई है उसमें प्लांट एक्सपेंडिचर, या फिर जिसको कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे सैलरी देना है, जो फिक्स है, जो कर्ज के रूप में जो इंटरेस्ट चुकाना है,
या फिर जो बिजली के रूप में देना है वो कुल आमदनी का 30.5% उन सब में खर्च हो जाते हैं। ये कहीं जाने जाने वाला नहीं है। आपके विकास के लिए बचते हैं 70%। 70% में भी जो मैंने कहा ना कि इनकम टैक्स विधायकों के उनकी फैसिलिटीज ये सब पे 5-10% चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो इस राज्य की 100 रुपये अगर कमाई है तो सिर्फ आपके लिए 50 रुपये बचते हैं। और 50 रुपये में भी केंद्र सरकार कहता है कि आप किस चीज़ पे खर्चा करते हैं। आपने स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, रोड बनवाया, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, यहाँ का पीडीएस सिस्टम दुरुस्त किया, तो उसमें झारखंड के खर्च हो जाते हैं बाकी के 26.7% GDPS का, मतलब जो यहाँ का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका। तो 50 और 26 यानी मोटा मोटी 77 रुपये आपके विकास पे जो खर्च होने चाहिए वो होते हैं। जो ये जो फ्रीबीज है, जो बाकी रकम बचा उससे आपका भला नहीं होता, या आसान शब्दों में आप यूं समझ लीजिए कि आप आने वाली जनरेशन से कर्ज लेकर अपने लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं। एक और मज़ेदार तथ्य है कि इस देश में सबसे खराब अगर आर्थिक हालत किसी राज्य की है तो वो है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा हमारा झारखंड। तो आप समझिए कि झारखंड में जब भी आप फ्री का कुछ पाते हैं तो आप दरअसल फ्री का नहीं पाते हैं, या तो आपसे दूसरे तरह से वसूला जा रहा है या फिर आपकी अगली पीढ़ी के लिए। अभी तो आप हर दिन से 32 रुपये कर्ज का इंटरेस्ट के रूप में चुका रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी को हो सके कि इससे कई गुना चुकाना पड़े। पिछले साल RBI ने कहा है कि हर राज्य जो उसका जो डेफिसिट है, मतलब कि जो उसने इंटरेस्ट लिया है, जो उसका घाटा है, उसको पाटने की कोशिश करेगा, और झारखंड ने वो टारगेट मिस कर दिया है। नमस्कार।